हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आदर्श। आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इग्नू दिसंबर 2021 का जो एग्जाम है वो 4 मार्च 2022 से कंडक्ट कराने वाला है, पर इग्नू ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगा। हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। इग्नू ऐसा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इग्नू कोई भी चीज शुरू करता है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी करता है। तो इस बार इग्नू ने जो दिसंबर वाला आपका एग्जाम है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी की है। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब तक वो दिक्कतें रिजोल्व नहीं होगी तो इग्नू एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट इग्नू के रिगार्डिंग आपको कोई भी न्यूज एंड अनाउंसमेंट इसी चैनल पर मिलती है। अगर आपको इग्नू में कोई भी डाउट है, आपके मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपका सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, आपका डिग्री नहीं आ रहा, या आपके एडमिशन में कोई दिक्कत है, या आपका पेमेंट फंस गया है, किसी भी तरीके का आपको इग्नू में कोई भी डाउट है तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया है आप इसको जाके देख लीजिए, ये मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने इस वीडियो में अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू आप इस वीडियो को देख के मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी वेब ब्राउजर में आप इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट टाइप कर लीजिए, ignu.ac.in। तो इग्नू ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा 28 फरवरी को हम लोग अपना नेशनल साइंस डे मनाते हैं, जब सीवी रमन ने अपना रमन इफेक्ट खोजा था उस दिन, ठीक है, 28 फरवरी को। तो उसी के रिगार्डिंग जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इग्नू भी क्या कर रहा है कि 28 फरवरी को जो नेशनल साइंस डे होता है उस दिन सीवी रमन को जो डेडिकेटेड होता है, तो उसके रिगार्डिंग इग्नू क्या कर रहा है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपको क्या करना है कि 2 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो शूट करना है और इग्नू के इस पोर्टल पर आपको भेज देना है। देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस पोर्टल पर आप भेज दीजिएगा। और ये वीडियो आपका कब तक आ जाना चाहिए, 21 फरवरी से पहले आ जाना चाहिए, ये वीडियो इग्नू को मिल जाएगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो इग्नू इसको सिलेक्ट करेगा, आपको प्राइज भी देगा। तो यही एक नोटिफिकेशन था, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। जब से हमने डेट शीट वाला वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा ये कोर्स नहीं मिल रहा, सर हमारा ये कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा गलती इग्नू ने यही किया है कि जो इग्नू ने 14 फरवरी को आपका फाइनल डेट शीट रिलीज किया था उसमें बहुत सारे कोर्स कोड आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इस सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए जब इग्नू ने जब फाइनल डेट शीट रिलीज किया था तो देखिए इग्नू अभी भी इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है। हालांकि फाइनल डेट शीट रिलीज होने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, फाइनल डेट शीट फाइनल होता है, फिर भी इग्नू फाइनल डेट शीट रिलीज करने के बाद भी इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो समझ लीजिए ये इग्नू का फाइनल डेट शीट नहीं है। जैसा कि इग्नू ने 14 फरवरी को डेट शीट रिलीज किया था तो उसमें जो ये कॉलम बना है कि आपके कौन कौन से एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, पर अब ये कॉलम इसमें ऐड हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका ये सब कोर्स है तो आपके इन सब कोर्स का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देख लीजिए यहाँ पे BSHF 101 है, FST 01 है, तो इन सब जो भी कोर्स है इसका एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो हम आपको बताते हैं कि किन किन कोर्स कोड नहीं मिल रहा है। अभी तक जैसा मैंने पता किया है मेरे को ये सब कोर्स कोड नहीं मिल रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर जो है ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर है और कुछ यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी पेपर है। तो इन सब जो कोर्स कोड है वो आपको डेट शीट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और नीचे बात करें तो यहां पर ये जो है BA के हैं, BAG के, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के हैं, और वो भी किसके, हिंदी के कुछ कोर्स कोड है। तो ये सब भी सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखिए जैसे कि ये डेट शीट है, यहां पर अगर आपको सर्च करना होगा, अगर आप लैपटॉप स्क्रीन में खोलते हैं तो आपको Ctrl+F टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो यहां पर हम आपको एक पेपर सर्च करके बताते हैं जो BAG का है, ठीक है, हिंदी वाला BHDE 141, ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं। देखिए यहां पे हमने पहले से सर्च कर रखा है BHDE 141, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं BHDE 141, ठीक है। तो हम इसको जैसे एंटर मारेंगे तो देखिए ये यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, स्क्रॉल करिए, ये कहीं पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से इग्नू ने बहुत सारे कोर्स कोड को अपना जो फाइनल डेट शीट है उसमें से गायब कर दिया है। तो इग्नू के स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
अगर आपका भी कोई कोर्स कोड है, आपको शो नहीं कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसके रिगार्डिंग हम लोग इग्नू में आवाज उठाएंगे और मेल करेंगे सो डेट आपका कोर्स कोड इसमें ऐड हो सके। और हम आपको और दिखाते हैं, आपको हम एमसीए का दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीएस 021, देखिए 21 जैसे टाइप करेंगे तो इसका भी आपको कोर्स कोड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 21 का है, ऐसे ही MCS 022 का है, 23 का है, 24 का है, ये सब कोर्स कोड आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, देखिए ये सब टोटल 12 कोर्स अभी तक जैसा मुझे मालूम चला है और हमारे सब्सक्राइबर ने बताया, ये 12 कोर्स कोड आपको डेट शीट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये इग्नू की बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, तो आप का भी कोर्स अगर नहीं मिल रहा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इग्नू में आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ कि सो डेट आपका यहाँ पे कोर्स कोड आ सके। ठीक है, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि आपका एग्जाम कब है। तो ये इग्नू ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। चलिए हम एक और गड़बड़ी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इग्नू का एडमिशन का पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे आप इनोमेट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा फिल कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं दिसंबर 2021 का एग्जाम फॉर्म का स्टेटस, जो स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद स्टेटस चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन स्टेटस, तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जबकि आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो भी आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। क्या हो रहा है कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है पर इग्नू ने आपका जो डाटा है वो मिस कर दिया है, इसलिए आपका स्टेटस नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन में इग्नू इस प्रॉब्लम से भी निजात पा लेगा। अगर नहीं पाता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट के साथ हो रहा है, कुछ स्टूडेंट के साथ हो रहा है, जैसे कि देखिए एमसीए का स्टूडेंट है पर इनका दिसंबर 2021 का एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद भी इनका डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हम आपको एक और स्टूडेंट का दिखाते हैं, वो भी एमसीए के स्टूडेंट है, उन्होंने भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो जैसे ही आप यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा तो उनका तो डाटा शो कर रहा है। मतलब ये कुछ स्टूडेंट के साथ हो रहा है, सब स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका डाटा अगर कुछ दिन में आ जाता है तो ठीक है, वरना आप हमें मेल कीजिए, हम इग्नू को मेल करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोग आवाज उठाएंगे। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था जो दो बड़ी इग्नू की तरफ से गड़बड़ी हुई है। अगर इग्नू इसको जल्दी रेक्टिफाई कर लेता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो आपके एग्जाम नहीं हो पाएंगे 4 मार्च से। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू सून।